नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदी .com और आपके साथ हूँ मैं वंदना उपाध्याय। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव गुरुवार को पटना में ट्रैक्टर की राजनीतिक सवारी की तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पप्पू यादव पटना में जल जमाव के बाद जमी गंदगी के खिलाफ मंत्री के आवास पर ट्रैक्टर में भर कर कचरा फेंकने जा रहे थे। पप्पू यादव पटना के आशियाना मोड़ से ट्रैक्टर में कचरा भरकर मंत्री आवास पर फेंकने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें आशियाना मोड़ के निकट ही रोक दिया और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस वाले पप्पू यादव को अपने साथ राजीव नगर थाने ले गए। पप्पू यादव के ट्रैक्टर चलाने पर अब उनका चालान काटा जा रहा है, साथ ही उस ट्रैक्टर के कागजात की भी जांच की जा रही है जिसको कि पप्पू यादव चला रहे थे। पप्पू यादव ने गोला रोड में कचरे की सफाई भी की। गौरतलब है कि पप्पू यादव ने पटना में जल जमाव के समय लोगों की सहायता भी की थी। अब वो पटना को कचरा मुक्त कराने के लिए सड़क पर उतर आए। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।